नेक्स्ट अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पहला टॉपिक बनेगा माइक्रोस्कोप भी। देख लीजिए क्या होता है माइक्रोस्कोप, डेफिनेशन एक बार लिखवाऊंगा, ये डेफिनेशन आप दो टॉपिक आएंगे उसमें दोनों में लिख सकते हो अभी आप लोग, ठीक है। लिख लीजिए, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मैग्नीफाइड द इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स भी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच कैन मैग्नीफाइड द इमेज ऑफ टाइनी या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी। कर पाओगे? जितने भी हम टॉपिक करेंगे उसमें एक वर्ड आएगा भी, मैग्नीफाइंग पावर भी। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है एक बार ये लिख सकते हैं, उसके बाद यूज करेंगे इसको। इसी में लिखिए मैग्नीफाइंग पावर। ये एक्चुअली पता क्या है, ये मैग्नीफिकेशन है भी, किसी और तरीके से भी, न कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, न कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कर लोगे किस टर्म में? इन टर्म ऑफ एंगल्स भी। जब मेरे पास दो साइड है तो एंगल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसका निकालना भी। यस और नो? तो सिंपल अभी लिख लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ एंगल made by image to angle made by object। सिंपल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। कर लोगे? yes, सारा टॉपिक इस पर बेस्ट रहेगा, इस टॉपिक पे बेस्ट रहेगा हमारा कि मैं ये निकालना हमको भी। ओके, और एंगल निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है? हम टेंजेंट निकाल लेते हैं डायग्राम से भी, याद है? yes, तो माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं अभी, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रोस्कोप लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप भी, सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट अभी। सिंपल है तो सिंपल ही होगा ना। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। देख लीजिए मैग्नीफाइंग लेंस भी, सुना नाम कभी? मैग्नीफाइंग लेंस नहीं देखा? वो देखना जासूस रखते हैं ऐसा कुछ डिवाइस, yes, ऐसे yes, sir. हाथ देखते हैं अभी आपका, यस और नो? ये क्या नाम क्या इसका? मैग्नीफाइंग लेंस, ये इसका सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको भी। बात है नहीं? इस लेंस से क्या देखना चाहते हैं हम लोग भी? आप छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज बड़ी देखना चाहते हैं अभी, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस अभी। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और उससे इमेज देख रहे हैं अभी। आपने हाथ देखा होगा या आपने छोटे छोटे अक्षर पढ़े होंगे भाई उस लेंस से भी, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल नज़दीक करके पढ़ते हैं उसको भी, देखा ऑब्जर्व किया ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग, उसको थोड़ी पोजीशन चेंज करते रहते हैं उसकी पोजीशंस भी। क्या करने की कोशिश करते हैं हम लोग? हम ऑब्जेक्ट को कोशिश करते हैं रखने कहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर और एप के बीच में भी, जो सारी इमेज उल्टी बनती है उसमें। तो कॉन्वेक्स में तो सारी इमेज क्या बनती है उसके उस केस के अलावा? सारी रियल इमेज बनती हैं, उल्टी बनती हैं एक केस को छोड़ के। कौन सा केस है वो? ऑप्टिकल सेंटर और एप के बीच में रखें तो बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है और सीधी बनती है। यस और नो? तो हम कोशिश करते हैं अपने हाथ को उस पोजीशन में लेके आने की। यस और नो? तो क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखता है उसमें? ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है अभी, सिर्फ इमेज दिखते हैं ऑब्जेक्ट का, वो भी बड़ी इमेज। तो कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे करना है, ये टॉपिक हमारा अभी। तो सिंपल है भाई, इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। आइडिया मिल गया होगा क्या करना है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है भाई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट मैंने भी, ऑब्जेक्ट ए भी, ये भी फोकस मान लेते हैं। यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक बीम जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रूल्स के अकॉर्डिंग भी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकस भी। यस और नो? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइएगा भी, सही है? हाँ।
आगे बीम्स फैल रही होंगे भी, कहीं नहीं मिलने वाली। तो इनको अगर पीछे में लाएं तो अपियर टू होंगी, कहां से? समझ में आया? यहां पे क्या बनना है? इमेज, इट इज ए डैश बी डैश। आपके यहां कहां पे है? सही है, आंखों क्या दिखता है? ये दिखता है, हो जाएगा भी। इस टॉपिक को करने के दो तरीके हैं भी, दोनों कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि बुक से रट्टा मारे हम लोग बैठ के, ठीक है? बता दूंगा, दोनों को कर दूंगा क्या करना है। इसमें देखिए भी, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ इसमें, क्योंकि उनको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है अभी, बातें नहीं करनी क्लास, बातें नहीं, ठीक है? इसको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो उसमें एंगल चाहिए मेरे को भी, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल मेड बाय इमेज भी। आपको ये पॉइंट लगेगा कि एंगल दोनों के लिए सेम है, ये एंगल होगा भाई वो थीटा, जिसको हम बोलते हैं मेड बाय आईज, कर लोगे। अब प्रॉब्लम क्या, आपको ये लगता है इसमें कि ये एंगल वही है जो ये बना रहा है, ऐसा 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 नहीं है भाई, ये ऑब्जेक्ट है भाई क्लास, इसकी इमेज ये है, दोनों के एंगल अलग है भाई। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये है, ये कुछ और बना रहा है, वो कुछ और एंगल बना रहा है, डायरेक्ट दिखता है कि दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, कर लोगे इसको दिखाने के, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है, प्रॉब्लम यही है। उसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से मैं, बिल्कुल पैरल इसके पैरल में, नीचे वाली के, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए डैश पॉइंट, ये इसके बराबर हो गया, इसको ए वन ले लेते हैं फिर, ए वन, ठीक है? अब ये जो एंगल बनाएगा भी, ये तो होगा ऑब्जेक्ट वाला एंगल्स, समझ में आया? और ये वाला एंगल कौन सा है? इमेज वाला। इमेज वाले एंगल को बोलते हैं बीटा से दिखाते हैं, और इस वाले एंगल को दिखाते हैं अल्फा से। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, समझ में आई बात है? यस और नो? दो तरीके हैं क्लास टॉपिक करने के, मैं दोनों को बता रहा हूँ आपको। वह इस टॉपिक मैंने एक्चुअली में क्या किया पता आपको भी? इस टॉपिक में ये करके मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों को बेस बराबर कर दिया भाई। अगर मैं ये करता ना, ये वाला एंगल लेता है इसके लिए यही, रिस्क के लिए भी यही, तो दोनों के क्या यूज़ करता मैं, परपेंडिकुलर कर देता भाई, सेम कर देता, एक सिंपल सा पॉइंट करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें करने की। तो किसी एक को काटना पड़ेगा अभी आपको, आपके ट्रायंगल्स में एंगल निकालने दोनों चीज़ें होंगी, बेस भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा, किसी एक को कैंसिल करवा दो किसी तरीके से भी, मर्जी आपकी, अब ऑटो पे पूरा हो जाएगा। मैं डिवाइड करूँगा दोनों को, डिवाइड करना मेरे को अल्फा और बीटा को, सॉरी बीटा और अल्फा को डिवाइड करना है, उसमें एक चीज़ कटनी चाहिए अभी, या तो क्या काट दो बेस काट दो, या क्या काट दो परपेंडिकुलर काट दो, आपकी मर्जी है। दोनों में आंसर सेम आने हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको भी हम लोग लिखिए, इट इज़ द रेशो ऑफ, दोबारा लिखिएगा, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज, बुक में वर्ड यूज किया है सबटेंडेड, कर सकते हो उस वर्ड को यूज, एंगल मेड बाय इमेज टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट वेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, वेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DISTINCT, डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या चीज होती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमारी आंख की एक एबिलिटी है कम से कम देखने की भी, यस और नो? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होती है अभी, इससे कम देख नहीं पाते हम लोग, ये वो है अभी। क्या बोला जाता है?
कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज आपको दिखने चाहिए भाई, कम से कम कितना होना चाहिए, 25 तो होना चाहिए आपकी आंख से भी दूर हो। यस और नो? ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए भाई, इसलिए हम लेंस को आगे पीछे करते हैं देखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? yes, तो ये जो वर्ड यूज किया गया है डिस्टिंक्ट विजन्स का मतलब क्या है कि कम से कम इमेज और ऑब्जेक्ट कम से कम 25 सेंटीमीटर आपकी आंख से दूर होने चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट और इमेज। ये कोई अलग चीज़ नहीं लिखवाई मैंने आपको, यहाँ पे दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट तो सही है भाई, कर लोगे। इसको हम एम से लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं? एंगल मेड बाई इमेज टू एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? बीटा बाई अल्फा भाई, बीटा बाई अल्फा। स्मॉल एंगल्स यूज करते हैं तो टेंजेंट डाल सकता हूँ यहाँ पे एंगल निकालने के लिए, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, एनी प्रॉब्लम क्लास? अरे यस और नो? पता ही नहीं, ठीक है भाई। अब आपको अल्फा निकालना है और आपको बीटा निकालना है भाई, तो कौन सी ट्रायंगल्स यूज करें? आपके सामने ट्रायंगल्स बनी हुई है, तो मैं यूज करता हूँ इन द ट्रायंगल्स, कौन सी? अल्फा निकालने के लिए ए वन बी डैश सी, ए वन बी डैश सी दिख रहा है, तो इसमें कितना आएगा? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए वन डैश ए वन बी बाई सी बी डैश बी, सही है कि नहीं है? अरे बता दो। yes. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन बी, किसके बराबर? ये ए बी के बराबर है अभी। yes, ऐसे ले रखे मैंने, तो क्या लिखोगे टेंजेंट अल्फा को? ए बी बाई सी बी डैश, एनी प्रॉब्लम भाई? yes. कुछ नहीं करना आपको, अल्फा बीटा निकालना है पूरी टॉपिक्स के अंदर, बड़े सिंपल टॉपिक है अभी, हो जाएगा। yes, इतना हो गया। yes, yes. बीटा निकाल लेते हैं, किस ट्रायंगल से निकालें बताओ, रब कर दे भाई। टेंजेंट बीटा किस ट्रायंगल से निकालें भाई? इन द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दिस ट्रायंगल्स भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा? ए डैश बी डैश बाई सी बी डैश सी, सी बी डैश, क्योंकि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर भी, तो सी बी डैश हो जाएगा। इसको पहले इक्वेशन पुट कर दे, इसको फर्स्ट मान सकते हो भाई, इज द फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन भी, तो एम कितना होगा? टेंजेंट बीटा कितना भी? ए डैश बी डैश बाई सी बी डैश, सही है। डिवाइड टेंजेंट अल्फा कितना? सी बी डैश बाई ए बी, यस आर नो? सी बी से सी बी कट गया भी, सी बी डैश सॉरी, कर लोगे तो कितना होगा भाई एम का वैल्यू? ए डैश बी डैश बाई ए बी, अगर आपको याद होना दिया मैग्निफिकेशन तो है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी, यस आर नो? बट एंगल की टर्म में डाल दिया मैंने आंसर आंसर्स को भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? yes, sir. अब इसमें ये और देख लेते हैं भाई, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है कि जो इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे बननी चाहिए भी, तो कुछ तो डिस्टेंस यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो भी, डी मान लेता हूँ, डी इज द लीस्ट डिस्टेंट विजन्स भी, तो कम से कम 25 तो होना चाहिए। यस सर ना, जल्दी से बनाऊँ फार्मूला भी, क्या था ये कुछ याद है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यस सर ना? सही है कि नहीं है? अगर आप ये देखो ना ए डैश बी डैश बाई ए बी, इसको वी बाई यू लिख सकता हूँ, यस और नो? अभी मैंने एम लिखा था भाई, एम लिखा था मैंने ए डैश बी डैश बाई ए बी, अगर आपको याद हो फार्मूले के अंदर ये वी बाई यू था भाई, यस और नो? तो इसके अंदर इस पूरी इक्वेशंस को क्या आप वी से डिवाइड कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वी लिखी है मेरे को, तो कितना आएगा? v by f is equal to 1 minus v by u, सही है? yes, तो v by u is equal to 1 minus v by f, सही लिखा है? yes, sir. और ये क्या है? ये m ही तो है मैग्निफिकेशन तेरा। अरे बता दो। yes, sir. और उसके अंदर आपने चेक किया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैंने डी यूज की, वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज,
वी कितना यूज किया हुआ है, डी प्लस की माइनस वी बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन से, इस तरफ है वैल्यू यूज कर तो कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा भी, कर लोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी, वन प्लस डी वाई एफ, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ मुश्किल है भी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी, डायग्राम नहीं बनाना पहले बता रहा हूँ, अभी मैं बनाऊँ बोलूँगा जो भी बनाना है आपको, कभी अभी लग जाओ जल्दी से, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, बायो माइक्रोस्कोप देखा आप लोगों ने बायो लैब के अंदर भी, ऐसे बड़ा उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे आप लोग देख लो साइड वगैरह देखी जाती हैं ऐसे कुछ करके ऊपर नीचे लेंसेज को, देखा है कि नहीं देखा अभी। और कौन सा लेंस ऊपर नीचे होता है, देखा ही नहीं है, ऐसे वो घुमाते हैं पेंच सा, कौन सा लेंस ऊपर नीचे होता है, आंख वाला के नीचे वाला, ऊपर वाला होता है। तुम कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं ना अभी, थोड़ा यस भी दो लेंस होते हैं क्लास। अरे माइक्रोस्कोप तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, मैं मेरे को बात कितने बजे देखा 10वीं क्लास में, यहाँ तो दिखाया नहीं होगा किसी ने, यहाँ रखा तुम्हारे पास भी, उसके लेंस की कोई पता उठा ले गया अभी उसके लेंस बातें नहीं, उसके लेंस निकल जाते हैं बाहर भी, देखे हैं कभी निकाल के उनके दोनों लेंस निकल जाते हैं, डिब्बी से होती है निकल जाते हैं, ढंग से देखिए ना, उसका नीचे वाला लेंस छोटा होता साइज में भी, ऊपर वाला बड़ा होता है, इतना कौन देखे। डायग्राम देखो भाई, दो लेंस होते हैं क्लास, बातें नहीं, दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, एक का साइज छोटा होता है एक का साइज बड़ा होता है, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसका साइज छोटा होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, ओ से लिखते हैं उसको, इट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट लेंस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी ऑप्टिक सेंटर कितना है, सी वन, फोकस पॉइंट एफ ओ ले ले या एफ वन ले ले, ओ ले लेते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट भी कर लोगे, यहाँ पे एफ ओ ओके, पहले पहले लेंस से काम करते हैं भाई, इसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने, फर्क है आपकी बार यहाँ पे नहीं रखे इनके बीच में, ठीक है तो पक्की बात है कौन सी इमेज बनने वाली है, अभी रियल इमेज बनेगी, एक बीम की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रूल्स के अकॉर्डिंग कहां से पास करनी चाहिए, ठीक है बातें नहीं, यहां पे क्या बनेगी क्लास, देखिए पहली बीम गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, सिंपल भाई यहां पे मिली, यहां पे क्या बनना है ऑब्जेक्ट भी सॉरी इमेज, इट इज ए डैश बी डैश, एनी प्रॉब्लम क्लास, इस लेंस का काम खत्म हो गया अभी, कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, यस भाई क्या हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं आई लेंस को सेट करते हैं अभी, ऐसे घुमा के पेंच घुमा के अभी इमेज देखने के लिए, उसको इस तरह सेट किया जाता है आई लेंस को कि ये इमेज उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए अभी, क्या समझ में आई, हम आई लेंस को सेट करते हैं ऊपर नीचे करके भी, इसे सेट करते हैं ये इमेज उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, इसका साइज बड़ा होता अभी, इसके ये इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर है सी टू मान लेते हैं, ये इसका फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस भी ये ले लेते हैं, इसका ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस, सही है। डायग्राम नहीं बनाना तो लोग समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे ये लेंस को कैसे सेट करना है, इस तरह सेट करना है कि ये इमेज इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आई हुई, अगर तुम डायग्राम बनाना नहीं आता क्या है, नहीं बनेगा भाई रटे मार लेना इस डायग्राम को, मान जाऊंगा बना दिखा देना, मैं एक लेंस को बता रहा हूँ क्या हो रहा है ओके। अब यहाँ से बीम जाएगी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी फोकस से भी, दूसरी
ये वो केस हो रहा है पहले वाला सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस हो रहा है। आगे तो मिलेंगे नहीं, तो पीछे मिलाओ इनको। यहाँ पे क्या बनेगी इमेज किसकी, ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहाँ पे आपकी आंख है भी इसको देखने के लिए। आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है उल्टी भी, कर पाओगे? अब प्रॉब्लम क्या है, हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है, उसके लिए मेरे को एंगल भी चाहिए भाई। यस और नो? पहला प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट तो ये है, ये तो एंगल बना नहीं सकता इसके साथ। तरीका क्या लगाओगे, वही तरीका, ट्रायंगल ऐसे बनाइएगा जिसके बेस या परपेंडिकुलर में से कोई एक क्या हो जाए बराबर हो जाए भी। यस और नो? तो हम क्या कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे कर लूँ कंसिडर भी इसके ऊपर भी, तो मैं एक लाइन खींच दी यहाँ से भी, इस पॉइंट को मान लिया ए वन भी ऐसे। ये किसको दिखा रहा है अभी, ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, कर लोगे यहाँ रहते बी डैश, इसको नीचे देते एफ ई, सही है। अब ये एंगल बनाएगा अभी कितना, अल्फा, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फा। इमेज कौन सी है, हियरी, ये वाला कौन सा एंगल है, बीटा। दिस इज द सिम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपको इस तरह बनाना है पेज पे भी, पेज ना पूरा पेज पे ऐसे बनाना है। तो देखिए मैग्निफिकेशंस डेफिनेशन वही होगी भाई, क्या होता है मैग्निफिकेशंस, एंगल मेड बाय इमेज टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंट विजन्स फ्रॉम द ह्यूमन आई व्यू। यस और नो? ये आपको लिखना है पेपर में, मैं लिखवा नहीं रहा भाई इसको, कर पाओगे? तो m का वैल्यू कितना होगा भाई, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा भी, दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशंस भी या मैग्नीफाइंग पावर, फर्स्ट इक्वेशन भी। ओके अब आपको बीटा और अल्फा निकालना है क्लास, उसके लिए मैं ट्रायंगल्स यूज करता हूँ। इन द ट्रायंगल ए वन बी डबल डैश सी टू, ए वन बी डबल डैश सी टू, दिख रही है ट्रायंगल आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा, तो ए वन बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश, सही लिखा है। और आपको पता होना चाहिए ए वन बी डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी, ये इसके बराबर है भाई, ये ए बी है, कर लोगे? तो टेंजेंट अल्फा का वैल्यू कितना है मेरा भाई, इट इज ए बी बाई सी टू बी डबल डैश बी, क्या मैंने सही लिखा? तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ए बी बाई सी टू बी डबल डैश, सही है। यस और नो? उसी तरीके से आप बीटा निकाल लो, रब कर दे भाई, को निकालना है बीटा भी, ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ। इन द ट्रायंगल्स ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, दिस ट्रायंगल, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश, यस और नो? इसको दोनों को पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में भी, लिखो पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, तो m का वैल्यू कितना है अभी, टेंजेंट बीटा है a डबल डैश b डबल डैश बाई c2 b डबल डैश, मल्टीप्लाई कर दूं उल्टा करके, c2 b डबल डैश बाई ए बी। ये मैंने कैसा सारा काम ऐसा क्यों किया, इनके बेस को बराबर करने के लिए, कट मार दे इसका भी। तो m का वैल्यू कितना आया, a डबल डैश b डबल डैश बाई ए बी, तो ये मेरा आंसर आ गया अभी, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, रब कर दें बाकी को, हो गया। ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, इस इक्वेशन को
ए डैश बी डैश से गुणा करूं, ए डैश बी डैश से भाग दे देता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए एम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, मैंने मल्टीप्लाई किया ए डैश बी डैश से और गुणा किया ए डैश बी डैश से, डिवाइड किया इसको मैंने भी, हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसे ले सकता हूँ भी, इसको देखिए एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए बी। कैसे किया? इसके नीचे मैंने ये लिख दिया और इसके नीचे मैंने ये लिख दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला इस बात से? नो सर। कर लोगे? अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो ना, ये चीज़ क्या है अभी, ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज, किसकी इमेज है ये? ए डैश बी डैश की इमेज है अभी। yes, किसने बनाई है? इस लेंस ने बनाई है, इट इज द आई लेंस भी, इट इज द ऑब्जेक्ट लेंस। मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया अभी, आई लेंस क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस क्या है, जो आपकी आँख की तरफ हो कौन सा आई लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेंस अभी। कर लोगे? हो जाएगा। yes, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इट इज वर्ट भी, क्या चीज़ बन रही है आपको? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, ये क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस अभी। ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस बन रहा है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इन टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। क्या मैंने ऐसे लिखा? yes, पूरा लिखो, एम ई क्या है, पूरा लिखो, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस भी। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, एम ओ क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? yes, इसमें देखिए जो मैंने ये लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस भी, फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का क्लास इन लेंसेज के अंदर भी, एच टू बाई एच वन या फिर वी बाई यू, वी बाई यू, वी कौन सा, वी ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, यू ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस भी। ये देखो भी क्लास, देख एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वी ओ फॉर ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, यहाँ तक यू ओ फॉर ऑब्जेक्ट लेंस भी। समझ में आई बात है? yes, बुक वाला क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा माइनस को भी, यहाँ पे लिखेगा प्लस को भी, फिर बोल देगा नहीं ऐसा कर लेता हूँ, मॉडुलस लगा लेता हूँ प्लस करने के लिए। अरे लिखा है कि माइनस भाई, कन्वेंशन तब यूज़ कर रहे हैं जब आपको वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू दे रखी तो कन्वेंशन यूज़ करने मत करो भाई। कहाँ मेरा आंसर माइनस आया था, वहाँ पे आया था कि माइनस वाला आंसर भी, एम में मैं वैल्यू फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो सिंपल, जब जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब लिखेंगे वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू 5 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस की, इट इज माइनस। तो पहले क्यों लिख रहा, बुक वाला सेना बना रहा था, फिर उसको लगा कि आंसर माइनस का आ रहा है तो बीच में मॉडल से डाल दिया, फिर ऐसा कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो इसका ऐसा रखिएगा, इसका आंसर हो गया अभी एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस भी। अगर इसको टॉपिक को डाल दूँ, इस लेंस को डाल दूँ, ऐसा लग रहा है इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप भी, सेम कंडीशन हो रही है, देख लो इसको डाल दिया जाए, इट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका वैल्यू कितना था, 1 plus DYFE, आई एफ ई फॉर आई लेंस, ये डी क्या है, ये डिस्टेंस है भाई, बढ़ाओ जल्दी से, ये तो यूज कर लिया हम लोगों ने। अरे इससे पहले टॉपिक किया था ये, एम प्लस डी वाई एफ ई, एफ ई इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस भी, यस और नो? तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन क्लास, एम का वैल्यू कितना है अभी, दोनों गुणा तो करनी है, एम कितना था, एम ई इंटू एम नॉट, तो लिख सकता हूँ इट इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 plus DYFE, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी। लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी, When object AB lie near to F naught, object AB lie near to F naught, ठीक है,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू नॉट वी, यू जियो की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं ये बोल दूं कि ए बी इसके नजदीक लाई कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सी टू बी इज नियरली इक्वल टू सी एफ वी। सी वन था ये, सॉरी सही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अगर ए बी नजदीक हो तो लिख सकता हूँ सी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, बराबर तो इमोशन, लेकिन इक्विवेलेंट तो बोल ही सकता हूँ मैं। या सर ना आगे लिखो इसी में, और ये वैल्यू क्या होगी? ये एफ नॉट नहीं होगी अभी, फोकल लेंथ तो है ये ऑब्जेक्ट लेंस भी। देखिए जब हम केस कर रहे हैं ना, एक खास पॉइंट का एग्जांपल कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी हमको भी, ठीक है। आगे लिखिए इसी में, लिखिए लेट ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड नियर टू द आई लेंस, ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड नियर टू द आई लेंस। अगर ए डैश बी डैश आई लेंस के नज़दीक बनता हो इमेज इसका, इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनता हो? आपको पता है इन्फिनिटी बनता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा जाके। यस सर नो, मान रहा हूँ कहाँ बने, अगर ए डैश बी डैश कहीं लेंस के नज़दीक हो तो क्या लिखूँ मैं? ले सकता हूँ ये वी था ना भैया, वी था, तो ले सकते हैं इसको ऐसे सी टू बी डैश इज नियरली इक्वल टू सी टू, सॉरी सी वन था के, सी वन बी डैश इज नियरली इक्वल टू सी वन सी टू। सोचो क्या बोलना चाहता हूँ, ये इसके नज़दीक अभी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर होंगे, ओके। और ये क्या एक्चुअल में लेंथ ऑफ ट्यूब है अभी, ये तो ट्यूब है, यहाँ पे लेंस लगे होते हैं ट्यूब के अंदर, निशान में आया, इसको घुमाते हैं आप लोग, ये तो था ट्यूब इतनी, इट इज एल क्या है लेंथ ऑफ ट्यूब। अब सारे टॉपिक फॉर्मूले में डाल दो सारे आंसर्स में, उन्होंने केयर नहीं रखा कुछ ऐसा कुछ, चलो लेके आओ। एम क्या था भाई, व्हाट इज एम? वी नॉट बाई यू नॉट, वन प्लस डी वाई एफ एफ ई ई। ये वैल्यू नहीं है क्लास, ये वैल्यू नहीं है, ये अभी भी वही चीज़ है जो हम बोल रहे हैं। अभी साइनक्रोनस यूज नहीं कर रहा है, कि मैं इस टॉपिक में कहीं पर साइनक्रोनस यूज नहीं कर रहा अभी, हो सकता बुक में से कुछ माइनस प्लस का फर्क पड़ जाए अभी, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूज करूँगा जब क्वेश्चन करूँगा इसके भी, वहाँ पे भी बुक वाला बोलेगा एल को वैल्यू मान लेता हूँ, तो एल की वैल्यू क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं या पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव है। कर लोगे, हम सिंपल लिखेंगे इसको, कितना आएगा एम का वैल्यू भी, ये एल बाई एफ ओ वन प्लस डी वाई एफ ई। एल कहीं से किसी तरीके से एल लेके मेरे को ले आए हम लोग, आपसे पूछेगा कि लेंथ है, एक ट्यूब की लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसके बाद दो लेंस है, की फोकल लेंथ इतनी है, की फोकल लेंथ इतनी है, फाइंड द मैग्निफिकेशन, हम लोग को टॉपिक नहीं पढ़ा हम लोगों ने, अब कर लेते हैं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि पहले टॉपिक में लेंथ ट्यूब नहीं आ रहा, कहीं से भी डाला गया जबरदस्ती, किस पॉइंट पर डाल के मान के कुछ ये मान लेते हैं यहाँ पे होगा, वो मान लेते हैं वहाँ पे होगा, कर लोगे? इसलिए करवाया गया है कि न्यूमेरिकल चाहिए भी इससे। हो जाएगा टॉपिक।